हेलो एवरीवन वेलकम टू पवन वाग अकेडमी आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर का एक्चुअली अगर देखा जाए ना डिटेल में तो ये वाला जो चैप्टर है ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन इस चैप्टर का एक भी पार्ट छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि सारे के सारे पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो सारे के सारे पार्ट्स हम लोग को डिस्कस करने अब अगर देखो अगर आप लोग स्क्रीन पे देखते हो तो मैंने आप लोगों को लास्ट वाले क्लास में एमओ डायग्राम के सारे बेसिक्स सारे ट्रिक्स पढ़ा दिए थे राइट आपको याद भी होगा इसलिए मैंने ये वाली चीज़ स्क्रीन पे रखी है तो अगर आपने मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा इसके पहले वाला लेक्चर मतलब प्रीवियस वाला लेक्चर जो एमओ डायग्राम की पूरी थेरी पर ठीक है सारे के सारे ट्रिक्स पर डायग्राम की ड्रॉ करने की ट्रिक क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं फॉर्मूलेस कौन से कौन से इन्वॉल्ड है स्टेबिलिटी क्या होती है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है अगर आपने वो नहीं देखा है इसके प्रीवियस वाला लेक्चर तो उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है और डायरेक्टली आप इस वीडियो को देखते हो तो हंड्रेड मैं गारंटी देती हूँ आपको वीडियो फिफ्टी ही समझ में आएगा ठीक है तो वो वाला पार्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एक बार उस पार्ट को देखो उसके बाद ही इस वीडियो को देखना ठीक है तो अब मैंने क्या किया था ना लास्ट वाले क्लासेस में आपको ये ट्रिक्स बता दी थी डायग्राम की कौन सी ट्रिक है एक बार फिर से हम लोग क्विकली उसको रिवाइज कर लेते ताकि वो अभी हम लोग को हेल्प करे और हम लोग देख देखेंगे अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स का जो डायग्राम रहेगा वो कैसे क्या रहेगा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे और बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक क्या है वो भी देखेंगे और उसी के आगे का पार्ट भी देखेंगे सो देखते हैं हम लोग देखो लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करते हो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको कैलकुलेट करते हो तो आपने कैलकुलेट कर लिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब आपके सामने दो टाइप के डायग्राम होते हैं एक होता है कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है फोर्टीन से लेस या तो फोर्टीन के इक्वल ठीक है अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके फोर्टीन से लेस आते जैसे कि H2 टू मोलिक्यूल एच ई टू मोलिक्यूल एन टू मोलिक्यूल तो आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे बट अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए ग्रेटर देन 14, 14 से अगर ज़्यादा आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो आप वैसे कि इसमें ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे ठीक है ये वाली चीज़ मैंने लास्ट वाले क्लास में ही डिस्कस की थी अगर आपको याद होगा तो सेकेंड थिंग ये है मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी डायग्राम को ड्रा करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं तो कोई भी डायग्राम का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग इस फैशन में लिखते हैं वन एस टू एस टू पी ठीक है बिल्कुल वही वाली चीज़ है वन एस टू एस टू पी 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 बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ करना है मैंने आपको ये भी बताया था कि पी और के टोटल तीन टाइप होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड इसलिए मैंने हर तरफ देखो पी में पी एक्स पी वाई पी जेड लिखा है साथ ही साथ मैंने आपको ये वाली चीज़ भी बताई थी कि सिग्मा बॉन्ड कौन से कौन से सप्शल फॉर्म करते हैं ये सब लास्ट वाले क्लास में एकदम डिटेल में मैंने करवाया था अभी मैं जस्ट रिवाइज़ करवा दी तो सिग्मा बॉन्ड आपके फॉर्म करते हैं एस सप्शल और पी जेड सप्शल इसलिए हर जगह पे जहाँ पे आपका एस सप्शल आ रहा है वहाँ पर हर जगह पर मैंने क्या लिखा है सिगमा पी जेड के जगह पर भी मैंने क्या लिखा है सिग्मा क्योंकि एस सप्शल और पी जेड सप्शल जो होते हैं वो आपके सिगमा बॉन्ड को फॉर्म करते हैं साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया था कि पी एक्स और पी वाई सप्शल जो होते हैं वो हमेशा क्या फॉर्म करते पाए तो देखो हर जगह पे जहाँ पे आपका पी एक्स पी वा आया है पी एक्स पी वाई पी एक्स पी वाई पी एक्स पी वाई वहाँ पर मैंने पाए लिखा है ठीक है फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि सारे डायग्राम में आपको टॉप पर हमेशा सीधा ट्राइंगल ही ड्रॉ करना है सारे डायग्राम के केसेस में आपको टॉप पर हमेशा सीधा ट्राइंगल ड्रॉ करना है सीधा ट्राइंगल का मीनिंग ये हुआ कि आपके दो बॉक्स नीचे रहने चाहिए और एक बॉक्स ऊपर दो बॉक्स नीचे एक बॉक्स ऊपर ये वाली चीज़ आपकी रहनी चाहिए ठीक है उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इतना पार्ट जो है दोनों डायग्राम का कैसा है सेम ऊपर में दोनों डायग्राम के ट्राइंगल आने वाला है अब जो चेंज हो रहा है वो बस होता है इतने पार्ट का ये पार्ट और ये पार्ट दोनों डायग्राम में डिफरेंट है बाकी पूरा का पूरा पार्ट जो है दोनों डायग्राम का सेम है सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आ रहा है ये वाले पार्ट में तो मैंने आपको याद रखने के लिए ट्रिक बताया था कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है लेस देन फोर्टीन और इक्वल टू फोर्टीन तो हमेशा आप सीधा ट्राइंगल ड्रॉ करते हो तो देखो यहाँ पर आपको एक सीधा ट्राइंगल फॉर्म होते हुए दिख रहा है दिख रहा है या नहीं दिख रहा है देखो इधर ध्यान से आपको यहाँ पर एक सीधा ट्राइंगल फॉर्म होते हुए दिखता है इसका मतलब पता है क्या हुआ कि दो बॉक्स नीचे रहेंगे एक बॉक्स ऊपर फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए ग्रेटर देन 14 तो ऐसे केस में आप ड्रॉ करते हैं उल्टा ट्राएंगल देखो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपको यहाँ पे उल्टा ट्राएंगल दिख रहा है इसका मतलब दो बॉक्स ऊपर और एक बॉक्स नीचे तो ये रहा आपका डायग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करते वक्त हमेशा एक ही चीज़ का कन्फ्यूजन होता है और वो कन्फ्यूजन जो है वो ये है कि बॉन्डिंग कहाँ पे आएंगे और एंटी बॉन्डिंग कहाँ पे आएंगे तो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में उसका ट्रिक भी बताया था वो ट्रिक ये था आपको बस बोलना है बाबा की तीन बीबी और तीन आंटी ठीक है वो ट्रिक भी मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको लिखा के दे दिया था बाबा की तीन बीबी तीन आंटी देखो इधर ध्यान से बा बा की तीन बीबी तीन आंटी समझा या नहीं बा, बा की तीन बीबी और तीन आंटी ठीक है आ जाएंगे यहाँ पे यहाँ पे भी अगर मुझे एमओ डायग्राम को ड्रॉ करने का है तो यहाँ पे भी वही वाला ट्रिक यूज़ करना है बा बा की तीन बीबी तीन आंटी समझाया नहीं बा, बा की तीन बीबी तीन आंटी बा बा की तीन बीबी तीन आंटी दोनों तरफ वही वाला ट्रिक है वही वाले ट्रिक से तो आपको स्टार और सिग्मा के टर्म्स में इंट्रोड्यूस नहीं करना है आपको बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का ही काम है तो अगर हमें ये वाले ट्रिक से समझ में आ जाता है कि बाबा की तीन बीबी तीन आंटी तो उससे हम लोग को अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग समझ जाता है तो कोई भी इशू नहीं है आपको याद रखना है कि बी फॉर होता है बॉन्डिंग ए फॉर क्या होता है एंटी बॉन्डिंग समझा या नहीं दोनों डायग्राम है सेम बस पार्ट का ये यहाँ पर डिफरेंस है अगर है लेस देन फोर्टीन और इक्वल टू फोर्टीन सीधा ट्राएंगल अगर है ग्रेटर देन फोर्टीन तो उल्टा ट्राइंगल डायग्राम के दोनों के ऊपर में हमेशा आपको टोपी ड्रॉ करनी है यहाँ भी है आपकी टोपी यहाँ भी है आपकी टोपी ठीक है ये था लास्ट वाले क्लास का पूरा का पूरा रिविजन जो मैंने आपको पाँच मिनट के अंदर कराया अब हम लोग ड्रॉ करेंगे अलग अलग एमओ डाइग्राम को तो स्टार्ट करते हैं चलिए अब हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे आपके H2 टू मोलिक्यूल को ठीक है साइड में मैं आपको सारे के सारे जो भी मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए थे लास्ट वाले क्लास में उसको हम लोग लिख लेते जिससे हमारे डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे तो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ट भी बना के दे दिया था बस उसी चार्ट को मैं यहाँ लिख दे रही हूँ क्योंकि उसके बिना डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा तो ये है आपकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ट ठीक है लास्ट वाले क्लासेस में ये वाली चीज मैंने आपको लिखा के दी थी और एक समझाया भी था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अगर आपने लास्ट वाला क्लास नहीं देखा है तो एक बार देख लो ठीक है चलिए अब ड्रॉ करेंगे सबसे पहले वाले डायग्राम को जिसका नाम है H2 मॉलिक्यूल आप लोगों को लग रहा है डिफिकल्ट बट अभी ये चीज़ बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगी तो एकदम रिलैक्स होकर ये चीज़ें देखो सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके देखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को देखते एच टो मोलिक्यूल को सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि एच मॉलिक्यूल मोलिक्यूल के केस में आपके जो भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं वो है टू है ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टू तो मुझे एक बात बताओ कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टू इसका मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है लेस देन फोटीन यस और नो यस क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे लेस देन फोर्टीन अगर कभी भी आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन फोर्टीन आते हैं तो डायग्राम में कौन सा वाला ट्राइंगल आता है सीधा ट्राइंगल या उल्टा ट्राइंगल अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आते हैं लेस देन फोर्टीन या इक्वल टू फोर्टीन तो आप सीधा ट्राइंगल वाला ही डायग्राम ड्रॉ करते हो ये है हमारा ट्रिक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दो जो कि है फोर्टीन से कम इसलिए ऐसे केस में मैं सीधा ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी देखेंगे कैसा ट्राइंगल रहेगा वो एक लाइन दूसरी लाइन ठीक है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वन एस वन एस ठीक है टू एस टू एस टू एस के बाद में आएगा आपका टू पी ठीक है वन एस वन एस टू एस टू एस टू पी टू पी टू पी एक्स वाई जेड टू पी टू पी टू पी एक्स वाई जेड ठीक है करेंगे इस डायग्राम को ड्रॉ एक ऊपर एक नीचे फिर से एक ऊपर एक नीचे अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं हम लोग चार लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे भी हम लोग करेंगे चार लाइन को ड्रॉ आगे मैंने यहाँ पे ये जाना मैंने आप लोग को जैसे कि बताया था कि सभी डायग्राम के ऊपर में हमेशा हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं टोपी को तो देखो आपकी टोपी ड्रॉ हो रही है या नहीं हो रही है हो रही है तो सभी डायग्राम के ऊपर में आपको टोपी को ही ड्रॉ करना है टोपी को इन द सेंस मुझे ये कहना है कि आपके दो ब्लॉक आने चाहिए नीचे और एक ब्लॉक आना चाहिए ऊपर ठीक है ना तो ऊपर टोपी आ गई अब मुझे बताना है यहाँ पे तो यहाँ पे मुझे या आप लोग ये बताएंगे कि यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेस देन फोर्टीन या इक्वल टू फोर्टीन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन आ जाए तो आप कौन सा ट्राइंगल निकालते हो सीधा ट्राइंगल सीधा ट्राइंगल का मतलब क्या होता है दो बॉक्स नीचे और एक बॉक्स ऊपर यही तो होता है आपके सीधे ट्राइंगल का मतलब देखो दो बॉक्स नीचे एक बॉक्स ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपको यहाँ पे सीधा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ठीक है फिर मैंने आपको बताया था एक और चीज कि अगर हमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग देना है तो हम लोग कैसे लिखते हैं बाबा ट्रिक क्या था आपका बाबा की तीन बीबी और तीन आंटी देखो बा बा की तीन बीबी और तीन आंटी ठीक है यही वाली चीज थी चलिए अब करेंगे आगे आप लोग क्या करो डायग्राम को ड्रॉ करते वक्त यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सके तो मत ही फिलअप करो क्योंकि आप लोग क्या करते हो अगर आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर डालते हो ना पूरा डायग्राम गलत हो जाता है तो अब हम लोग देखेंगे मुझे एक बात बताओ यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं टू तो एक और दो समझा या नहीं तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दो तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हमेशा आपको नीचे से ही करना है इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हमेशा हम लोग लोअर से ही चालू करेंगे क्योंकि अगर आपको याद होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अब्बॉ प्रिंसिपल कि लोअर एनर्जी और बाइटल आर फील्ड फर्स्ट इसलिए पहले लोअर को भरेंगे और लोअर से ऊपर ऊपर जाएंगे ठीक है हमेशा याद रखना है तो ये हुआ आपके एच मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखो बुक में है ना बुक में आपको बस इतना ही स्ट्रक्चर दे रखा है ये ऊपर का स्ट्रक्चर दे नहीं रखा है बट मुझे आपको इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को नहीं पढ़ाना है मुझे आपको जनरल के टर्म्स में पढ़ाना है ताकि आपको हर एक मॉलिक्यूल के डायग्राम को रट्टा ना मानना पड़े अगर आप जनरल वे में जाते हो तो आपको सारी चीज़ समझ में आती है बट अगर हर चीज़ को इंडिविजुअली समझोगे तो फिर सम, फिर तो फिर भूल जाओ के आपको डायग्राम्स ड्रॉ करते आएंगे ठीक है तो बुक में इतना ही दे रखा है बट मैंने आपको पूरा डायग्राम बताया क्योंकि पूरा डायग्राम अगर ड्रॉ करते तभी जाके बेस्ट है चलिए अब हम लोग निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर को अब बॉन्ड ऑर्डर मेरा क्या कहता है देखेंगे जो भी बॉन्ड ऑर्डर होता है उसके लिए वैसे मेरे पास ट्रिक है लेकिन वो ट्रिक मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे जिनके लिए वो ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते

याद रखना है बाबा कि तीन बीबी तीन आंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है दो क्या एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है जीरो अपॉन टू तो टू माइनस जीरो अपॉन टू कितना होता है वन तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो भी आपका बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना निकल करके आया वन सेकेंड थिंग मुझे बताना है कि क्या ये मॉलिक्यूल डाई मैग्नेटिक है या पैरा मैग्नेटिक है तो आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं पेयर्ड मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे हो चुकी है शादी तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं पेयर्ड ठीक है paired, सिंगल नहीं है पेयर्ड हो चुके हैं तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा रहेगा डाया मैग्नेटिक लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन की शादी हो चुकी है अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुके हैं तो मॉलिक्यूल का नाम होता है डाया मैग्नेटिक मोलिक्यूल ठीक है मैग्नेटिक बिहेवियर डाया मैग्नेटिक रहेगा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटीबॉन्डिंग अपॉन टू बॉन्डिंग में कितने बी फॉर बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग में कहीं पे भी नहीं है जीरो अपॉन टू ले लो इसका स्क्रीनशॉट चलिए हाइड्रोजन का तो हो गया अब हम लोग देखेंगे लिथियम टू के मॉलिक्यूल को तो आपके मॉलिक्यूल का नाम है एल आई टू मॉलिक्यूल तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एल आई टू मॉलिक्यूल में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं सिक्स इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिक्स क्योंकि एल आई टू मॉलिक्यूल में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं सिक्स मुझे एक बात बताओ ये सिक्स नंबर कैसा है लेस देन फोर्टीन तो ये है आपका लेस देन फोर्टीन ठीक है सारी कहानी आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से शुरू होती है यही नहीं पता तो ये भूले जाओ कि आप कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके सिक्स ये कैसे है लेस देन फोर्टीन फोर्टीन से है कम अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्टीन से आते हैं कम तो आप कौन सा वाला ट्राइंगल ड्रॉ करते हो सीधा ट्राइंगल सीधा ट्राइंगल देखो डायग्राम बिल्कुल ये वाला रहेगा देखो क्या यहाँ पे आपको सीधा ट्राइंगल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है मुझे दिख रहा है यहाँ पे सीधा ट्राइंगल तो ये है आपके सीधे ट्राइंगल वाला डायग्राम देखेंगे आगे आगे मैंने यहाँ पे ये देखा आपको यहाँ पर फिलअप करना ही नहीं यहाँ का फिलिंग करो ही मत डायरेक्टली यहाँ से भरते चलो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं सिक्स तो हम लोग फिल करेंगे टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सिक्स देखेंगे कैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गया डायग्राम ड्रॉ मतलब डायग्राम यही वाला है बुक में बस इतना ही डायग्राम दे रखा है ऊपर का डायग्राम नहीं दे रखा है लेकिन मैं आपको बोलूंगी जनरल वे में आप पूरा डायग्राम ही ड्रॉ करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है देखेंगे आगे अब मुझे निकालना है बॉन्ड ऑर्डर को तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन टू देखो बॉन्डिंग वाले हैं दो ये है बी और ये है बी ध्यान से देखो तो बॉन्डिंग में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके वन टू थ्री फोर फिर से देखो मेरे को पता है नहीं समझा है। आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग बॉन्डिंग मतलब बी बी में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल ये भी है बी ये भी है बी कितने हो गए टू प्लस टू फोर माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके ए में टू फोर माइनस टू अपॉइन टू कितना होता है फोर माइनस टू अपॉन टू इज वन तो यहाँ पे भी आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है One. अब मुझे एक बात बताओ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन्स है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हो चुकी है शादी इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा रहेगा डाया मैग्नेटिक ले लो इसका भी स्क्रीन शॉट सबसे काम की बात ध्यान से सुनना कि जो डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है ना एल तो मॉलिक्यूल का वो डायग्राम गलत है प्लीज वहां पे करेक्शन कर लो ठीक है अदरवाइज आप पेपर में गलत डायग्राम ड्रॉ करके आएंगे बुक में बहुत सारे डायग्राम्स में मिस्टेक दे रखी है तो डायग्राम्स ए वाले ड्रा करो पता है एलआई टू तो में मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं सिक्स बट बुक वालों ने डायग्राम के अंदर में एट इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए और वो गलत करके रख दिया है तो वहाँ पे आप लोग करेक्शन कर लेना ठीक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्शन है प्लीज़ उसको करो नहीं तो आप वहीं से पढ़ लोगे तो वो गलत हो जाएगा और भी दो तीन डायग्राम्स में करेक्शन्स है वो मैं आपको बताऊँगी साइमल्टेनियसली आई होप आपको समझ में आया है टोटल कितने हैं सिक्स बहुत आसान है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इलेक्ट्रॉन हमेशा नीचे से ही बनने का बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है टू प्लस टू फोर एंटी बॉन्डिंग कितने हैं टू अपॉन टू समझ गया देखेंगे हम लोग आगे का नेक्स्ट मॉलिक्यूल नेक्स्ट मॉलिक्यूल ले लेते हैं बेरिलियम टू का बेरिलियम टू का भी सॉल्व कर लेते हैं बुक में नहीं दिया है बट उसको भी एक बार कर लेते हैं ताकि हम लोग एकदम परफेक्ट बन जाए सारी चीज़ों में ठीक है चलिए आगे जो मॉलिक्यूल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका बी ई टू मॉलिक्यूल बेरिलियम मॉलिक्यूल को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है बेरिलियम में कितने हैं एट तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एट और एट नंबर कैसा है लेस देन फोर्टीन लेस देन फोर्टीन अगर आपके टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाए लेस देन फोर्टीन या इक्वल टू फोर्टीन तो आप कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ करते हो सीधा ट्राइंगल सीधा ट्राइंगल ठीक है तो डायग्राम आपका यही वाला रहेगा क्योंकि देखो आपको यहाँ पे सीधा ट्राइंगल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है बताओ तो मुझे दिख रहा है ना एक दो तीन अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपको ये सीधा ट्राइंगल बिल्कुल इस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है है ना वो ट्राइंगल हम ड्रॉ नहीं कर रहे हम लोग को इमेजिन करना है ठीक है तभी जाके आप बॉक्स बराबर ड्रॉ करोगे कौन से ऊपर है कौन से नीचे चलिए देखेंगे इलेक्ट्रॉन भरना तो बहुत आसान काम है क्योंकि हमें साइड के कंसेप्ट में पढ़ना ही नहीं है चलो देखेंगे यहाँ पे आपके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये रहा आपका बेरिलियम टू का डायग्राम चलिए निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर को बॉन्ड ऑर्डर कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ध्यान से देखो बॉन्डिंग में कितने हैं कहा पे कहा पे बी आ रहा है एक ये बी है एक ये बी है टोटल बी कितने हैं टोटल बी जो है वो है आपके चार तो मैंने यहाँ लिखा है चार ठीक है अब मुझे देखना है आगे ये है आपका एंटी बॉन्डिंग देखो ये दोनों है आपके ए ए टाइप के मॉलिक्यूल यहाँ पे है दो यहाँ पे है दो है ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से आप लोगों को देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग बॉन्डिंग में कितने हैं टू प्लस टू फोर एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं टू और टू कितना हुआ फोर माइनस फोर अपॉइन्ट टू कितना वैल्यू आता है फोर माइनस फोर जीरो अपॉइंट टू तो इसका वैल्यू आपका जीरो के आसपास आता है तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बेरेलीम के केस में वो आता है जीरो ठीक है ये वाला डायग्राम बुक में नहीं दिया है मैंने आपका ये वाला भी डिस्कशन करवाया है तो ले लो इसका भी स्क्रीन उससे पहले मुझे आप लोग बताओ कि यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे है पेयर्ड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की क्या हो चुकी है शादी तो मुझे एक बात बताओ अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स है पेयर्ड तो मॉलिक्यूल का नेचर कैसा रहेगा डाया मैग्नेटिक समझाया नहीं ले लो स्क्रीनशॉट चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे आपके नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल को जिसका नाम है एंटो मॉलिक्यूल तो हम लोग डिस्कस करते हैं एंटो मॉलिक्यूल को तो मुझे आप लोग वहाँ से देख के बताओ साइड से कि आपके एंटो मॉलिक्यूल के केस में टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फोटीन एंटो मॉलिक्यूल के केस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फोटीन अब मुझे एक बात बताओ मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन फोर्टीन है या तो इक्वल टू फोरटीन है लेस देन दे या इक्वल टू फोर्टीन तो ऐसे केस में आपका जो डायग्राम आता है वो कौन सा रहता है सीधा वाला तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन कैसे इक्वल इक्वल टू टू या तो 14 तो लेस देन हो कौन सा डायग्राम आता है सीधा ट्राइंगल वाला डायग्राम ठीक है तो मैंने यहाँ पे ये यह जाना कि मेरे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इक्वल टू फोर्टीन है ना तो डायग्राम कौन सा आएगा सीधा ट्राइंगल वाला तो मुझे एक बात बताओ जो डायग्राम आपके सामने में ड्रॉ किया हुआ है वो कौन सा डायग्राम है सीधा ट्राइंगल का है या नहीं है है. देखो यहाँ पे दो डॉट है नीचे एक डॉट है ऊपर मतलब यहाँ पे आपका सीधा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जो भी चेंजेस होते हैं हमेशा वो यहीं पे होंगे ऊपर का तो डायग्राम सेम ही रहता है ठीक है चलिए करेंगे इस चीज़ को कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा टेंशन लेने का भी नहीं है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं फोर्टीन चलिए फिलअप करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ध्यान से देखो टेन इसके अंदर नहीं डालने का टेन इसके अंदर में जाएगा फिर इलेवन टवेल्व थर्टीन फोर्टीन ठीक है फिर से देखो वन क्योंकि आपको टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप करना है फोर्टीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन इस तरीके से यहाँ पे आपने फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर लिया एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आपके ऐसे दो बॉक्स आते हैं और आपको इसके अंदर में फ़ोर इलेक्ट्रॉन्स को डालना है तो आप कैसे डालोगे फ़ोर जितने भी इलेक्ट्रॉन को डालना है सबसे पहले एक बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट बॉक्स में डालना है उसके बाद इसमें उसके बाद इसमें मतलब कहना मुझे यह है कि अगर आपके पास में है सपोज दो बच्चे और आपके पास में है दो चॉकलेट बच्चे भी है दो चॉकलेट भी है दो तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बच्चे को दो चॉकलेट दे देंगे और दूसरा बच्चा रोते रहेगा ये बहुत अनफेयर हो जाएगा इनइवालिटी In हो जाएगी तो अगर आपके पास चॉकलेट है दो बच्चे हैं दो तो दोनों को एक एक ही देना सही रहेगा चॉकलेट है दो बच्चे हैं दो दोनों को एक एक देंगे बाद में अगर कुछ चॉकलेट बची तो फिर दूसरे को डबल मिलेगा बट पहले दोनों को क्या क्या देना पड़ेगा एक एक समझ में आया या नहीं इसलिए पहले मैंने इसको एक दिया इसको एक फिर इसको एक फिर इसको एक ठीक है करेंगे अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे आपके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे है पेयर्ड सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की हो चुकी है शादी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है आपके पेयर्ड क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको खाली पीली दिख रहा है क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड दिख रहा है नहीं अगर इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड तो मोलिक्यूल का नेचर कैसा होता है डाया मैग्नेटिक नेचर ठीक है रही बात बॉन्ड ऑर्डर की तो बॉन्ड ऑर्डर आप यहाँ से निकाल भी सकते हो लेकिन मेरे पास है यहाँ से सारे मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड बॉन्डर निकालने का ट्रिक तो वो मैं आपको ट्रिक लास्ट में बताऊंगी लेकिन उससे पहले आप लोग ट्राई कर सकते हो अगर आपको ट्राई करना है लेकिन कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो ट्रिक से डायरेक्टली बॉन्ड ऑर्डर निकाल जाता है ठीक है तो ये रहा आपका एंटू मॉलिक्यूल का डायग्राम था ना बहुत इजी निकालो इसको चलिए अब हम लोग ड्रॉ करेंगे आपके ओटो मॉलिक्यूल के डायग्राम को तो ओटो मॉलिक्यूल का डायग्राम हम लोगों को करने का है ड्रॉ तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये देखा कि ओटो मॉलिक्यूल के केस में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केस में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिक्सटीन ठीक है अब मुझे एक बात आंखें खोलो दिमाग खोलो और देख के बताओ कि ये है सिक्सटीन और ये सिक्सटीन कैसा है ग्रेटर देन फोर्टीन तो मुझे एक बात बताना कि यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो कि है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केस में वो आ रहे हैं सिक्सटीन सिक्सटीन और सिक्सटीन कैसा नंबर है ग्रेटर देन फोर्टीन अगर आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए ग्रेटर देन फोर्टीन तो ऐसे केस में आपका जो डायग्राम रहता है उसमें कौन सा ट्राइंगल आता है उल्टा ट्राइंगल याद है या नहीं है ठीक है तो अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए लेस देन 14 और इक्वल टू 14 तो सीधा ट्राइंगल बट अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए ग्रेटर देन 14 तो ऐसे केस में आप ड्रॉ करेंगे उल्टे ट्राइंगल को देखो इधर यहां पे सीधा ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है तो यहां पे मुझे उल्टा ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया सारा का सारा डायग्राम सेम रहता है जो भी कहानी है ना जो भी चेंजेस है ना वो सिर्फ और सिर्फ इतने ही पार्ट में होते हैं सीधा ट्राइंगल या उल्टा ट्राइंगल के पार्ट में ध्यान से देखो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ग्रेटर देन 14, 14 से है ज्यादा ट्राइंगल कैसा आएगा उल्टा ट्राइंगल देखो ध्यान से उल्टा ट्राइंगल के लिए क्या होता है दो बॉक्स ऊपर एक बॉक्स नीचे तभी तो आपका उल्टा ट्राइंगल आएगा ना समझ आया नहीं तो मैंने यहाँ देखो अगर आप लोग ध्यान देते हो तो देखो आपका उल्टा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है बिल्कुल इसी तरीके से हो रहा है उल्टे ट्राइंगल का मतलब ये है कि दो बॉक्स क्या है ऊपर और एक बॉक्स क्या है नीचे क्योंकि अगर आपको यही पता ना चले कि बॉक्स किस में ऊपर है किस में नीचे तो फिर भूल जाओ डायग्राम सही होगा कुछ भी सेम नहीं आएगा फिर कुछ भी सही नहीं आएगा तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ग्रेटर देन 14, 16 तो मैं कौन सा ट्राइंगल ड्रॉ करूंगी उल्टा ट्राइंगल तो देखो अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपका यहाँ पे उल्टा ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है हो रहा है या नहीं हो रहा है हो रहा है मतलब दो बॉक्स ऊपर और एक बॉक्स नीचे ठीक है चलिए करेंगे बाकी तो सब कुछ है एकदम सेम मैंने यहाँ पे ये देखा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 16. चलो फिल अप करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और सिक्सटीन समझा या नहीं इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते वक्त याद रखना अगर बच्चे है दो चॉकलेट है दो दोनों को एक एक देंगे पहले फिर अगर चॉकलेट बची तभी जाके डबल मिलेगा तो दो बच्चे दो चॉकलेट दोनों को एक एक देंगे समझा या नहीं तो मैंने यहाँ पे ये देखा अब मुझे देखना है आगे रूल तो मेरा वही था बा की तीन बीबी और तीन आंटी डायग्राम से बाबा की तीन बीबी तीन आंटी वाला रूल चेंज नहीं होगा वो वही रहेगा ठीक है चलिए मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन कैसे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे है सिंगल यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन है सिंगल सिंगल का ही मतलब यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन कैसे हैं अनपेयर्ड और जब भी आपके इलेक्ट्रॉन आ जाए अनपेयर्ड तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा रहता है पैरामैग्नेटिक समझा या नहीं तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड मतलब ये है सिंगल तो यहाँ पे कौन सा नेचर रहेगा पैरा मैग्नेटिक ठीक है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जरूरत नहीं क्योंकि मेरे पास है ट्रिक मैं आप लोगों को ट्रिक की हेल्प से बताऊंगी तो कुछ भी चेंजेस नहीं था सिर्फ डायग्राम में चेंज कहा पे है बस इतने पार्ट में सीधा ट्राइंगल है या उल्टा ट्राइंगल है तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ग्रेटर देन फोर्टीन इसलिए यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल आता है उल्टा ट्राइंगल इसलिए मैंने कुछ इसको इस तरीके से ड्रॉ किया मतलब दो बॉक्स ऊपर एक बॉक्स नीचे तभी तो उल्टा ट्राइंगल ड्रॉ होगा ना यस yes और नो no. ठीक है इलेक्ट्रॉन देख के बता सकते हैं ले लो इसका भी स्क्रीन चलिए आगे मुझे देखना है नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो कि है लास्ट मॉलिक्यूल टेंशन नहीं लेने का है लास्ट मॉलिक्यूल जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है आपका F2 मॉलिक्यूल F2 मॉलिक्यूल तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि जो भी आपका F2 मॉलिक्यूल होता है F2 मॉलिक्यूल उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अठारह F2 मॉलिक्यूल के केस में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एटीन तो यहाँ पे मैंने लिखा एटीन मुझे एक बात बताओ कि जो आपका एटीन नंबर है वो कैसा है ग्रेटर देन फोर्टीन एटीन नंबर है आपका ग्रेटर देन फोर्टीन और अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए ग्रेटर देन फोर्टीन तो ऐसे केस में आपका ट्राइंगल कौन सा आता है उल्टा ट्राइंगल देखो डायग्राम में उल्टा ट्राएंगल है या नहीं है है वही वाला डायग्राम है देखो उल्टा ट्राइंगल आपको दिख रहा है दिख रहा है या नहीं दिख रहा है दो बॉक्स ऊपर एक बॉक्स नीचे इसी का मतलब ये आपका क्या हुआ दो बॉक्स ऊपर एक बॉक्स नीचे क्या हुआ आपका उल्टा ट्राइंगल ठीक है अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए ग्रेटर देन फोर्टीन तो ट्राइंगल कैसा होता है उल्टा ट्राइंगल देखेंगे आगे आगे मैंने यहाँ ये जाना कि आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं एटीन चलिए करेंगे फिलअप नीचे से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ये हो गया आपका एफ टू का डायग्राम ठीक है मैंने यहाँ ये यह जाना कि यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे है पेयर्ड मैंने यहाँ पे ये यह देखा इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन्स है पेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन्स की हो चुकी है शादी तो ये वाला इसका डायग्राम का नेचर कैसा रहेगा मॉलिक्यूल का नेचर कैसा रहेगा डाया मैग्नेटिक नेचर समझा या नहीं समझा समझ गया ना बहुत आसान है ये चीजों को फिलअप करते मत बैठो क्योंकि टाइम वेस्ट होता है आप बस यहाँ से फिलअप करो ठीक है जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन करो ले लो इसका भी स्क्रीन चलिए अब मैं आपको बताऊंगी ट्रिक कि बॉन्ड ऑर्डर विदाउट फार्मूला यूज़ किए विदाउट अ डायग्राम ड्रॉ किए कैसे हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हैं ये ट्रिक आपको एंट्रेंस में एम एस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा तो देखते हैं इस चीज़ को तो ट्रिक देखेंगे ये है आपका ट्रिक ये ट्रिक बुक में नहीं दिया है बट ये ट्रिक है बहुत ज़्यादा काम का इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे आप एक कॉलम ड्रॉ करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक कॉलम आएगा और दूसरा रहेगा आपके बॉन्ड ऑर्डर का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा कॉलम है आपके बॉन ऑर्डर का तो आपको बिल्कुल बस इस तरीके से उसको ड्रॉ करने का है सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे टेन से टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेन्टीन एटीन आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे टेन से और ख़त्म करेंगे अठारह पर टेन से आपको स्टार्ट करने का है और फिनिश करना है एटीन पर ये ट्रिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने में डायरेक्टली विदाउट फार्मूला विदाउट डायग्राम को ड्रॉ किए ठीक है देखेंगे आपको स्टार्ट करना है टेन से ख़त्म का करना है एटीन पर अब मैंने यहाँ पे ये देखा कि टेन के केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर रहता है वन और एटीन के भी केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है वन ठीक है टेन से आपको स्टार्ट करना है एटीन पे आपको फिनिश करना है टेन के लिए बॉन्डर कितना रहेगा वन एटीन के लिए भी बॉन्डर कितना रहेगा वन चलिए अब आपको पॉइंट फाइव से बढ़ाते चलना है वन प्लस पॉइंट फाइव कितना होता है वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव टू पॉइंट जीरो टू पॉइंट ज़ीरो प्लस पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट जीरो ठीक है तो आप यहाँ से क्या क्या करते चले पॉइंट फाइव को ऐड करते चले यही किया है आप लोगों ने अब आपको यहाँ पे पॉइंट फाइव को कम कम करते जाने का है थ्री माइनस पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट फाइव टू पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो माइनस फाइव पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट फाइव वन तो ये रहा आपका ट्रिक ठीक है हम लोग अप्लाई भी करके देखेंगे ट्रिक मेरा ये कहता है कि पहला कॉलम है आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेकेंड कॉलम है आपके बॉन्ड ऑर्डर का आपको स्टार्ट करना है टेन से फिनिश करना है एटीन पे ठीक है आपको लिखना है टेन के नीचे वन एटीन के नीचे वन सब में आपको प्लस प्लस फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव करते चलना है इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है पॉइंट फाइव प्लस तो आपको वन पॉइंट फाइव टू टू पॉइंट फाइव थ्री एक बार थ्री आ गया फिर आपको क्या करते चलना है पॉइंट फाइव को कम 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 माइ टू पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट फाइव और वन ठीक है ले लो इसका स्क्रीन सबसे काम का पार्ट है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दे रखा है चलिए अब हम लोग करेंगे आगे अगर सपोज मैं आगे अप्लाई करती हूँ इस टाइप के मॉलिक्यूल को तो सबसे पहले मैं लेती हूँ आपका बी मॉलिक्यूल मोलिक्यूल मॉलिक्यूल को लेंगे तो बी मॉलिक्यूल में मुझे आप लोग बताइए कि जो भी आपके टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बी मॉलिक्यूल में कितने हैं टेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके टेन तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है टेन के नीचे में कितना आ रहा है वन तो आपका बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे कितना है वन समझा या नहीं बस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखेंगे उसी के नीचे उसका क्या रहेगा बॉन ऑर्डर देखेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल को नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर मैं ले लेती हूँ आपका C2 मॉलिक्यूल C2 मॉलिक्यूल तो C2 मॉलिक्यूल में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं C2 मॉलिक्यूल में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ट्वेल्व अगर आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए ट्वेल्व तो ट्वेल्व के नीचे में कौन सा नंबर आता है टू ट्वेल्थ के नीचे में क्या आ रहा है 2.0 तो आपका बॉन्ड का वैल्यू कितना रहेगा 2.0 या तो 2 लिखो आपकी इच्छा उसके बाद करेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल को जिसका नाम है N2 मॉलिक्यूल ठीक है N2 मॉलिक्यूल में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं फोर्टीन फोर्टीन के नीचे कितना आ रहा है थ्री तो आपका बॉन्ड ऑर्डर एन मॉलिक्यूल के लिए यानी कि फोर्टीन के नीचे में कितना आ रहा है थ्री तो एन टू मॉलिक्यूल का बॉन्डर कितना रहेगा थ्री पॉइंट ज़ीरो चलिए करेंगे आगे आगे हम लोग लेंगे आपके ओ टू मॉलिक्यूल को ठीक है मुझे एक बात बताओ कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सिक्सटीन सिक्सटीन के नीचे क्या आ रहा है टू मतलब यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा टू वैसे ही आप लोग फ्लोरीन के लिए बॉन्डर निकालो इस ट्रिक से और मुझे कमेंट में जरूर डालना Uh, अगर आप लोग कमेंट डालते तो मुझे काफ़ी मतलब मोटिवेट होगा कि मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि आप लोग कर रहे हो ट्राई तो फ्लोरिन मॉलिक्यूल के लिए आपको इसी ट्रिक की हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके सामने बॉन ऑर्डर निकालना है एक सेकेंड का काम है कमेंट में डालना है ठीक है ले लो इसका स्क्रीन है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग ले लो स्क्रीन चलिए यहाँ पे आपके तीनों टाइप के सीरीज खत्म हो जाते हैं वी वी एस सी पी आर और एम ओ टी और ये जो थेरी थे देखो ये वीडियोस थे काफ़ी ज़्यादा लंबे ड्यूरेशनस के क्योंकि ये सारी थेरीज जो है इनको हम लोग छोड़ नहीं सकते अगर हम लोग छोड़ेंगे स्टेट बोर्ड तो गया ही गया ट्वेल्थ स्टेट बोर्ड में भी वहाँ पे हेल्प मिलता है और साथ ही साथ एंट्रेंस भी गया ही समझो क्योंकि तीन तीन थेरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सारी थेरीज़ को कवर किया है अब हम लोग कवर कर लेते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स को जो भी आपके रह गए इस चैप्टर में उनको भी कर लेते हैं फिनिश देखते हैं उस चीज़ को सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर को बॉन्ड एंगल को अब मुझे एक बात बताओ इसका नाम ही है बॉन्ड एंगल मतलब ये जो एंगल है वो किसके बीच में होगा बॉन्ड के बीच में इसरा नाम क्या है बॉन्ड एंगल तो मैं यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से लिख सकती हूँ द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल ठीक है क्योंकि उसका नाम ही है अगर सपोज ये है आपके दो बॉन्ड एक ए है बी है और बी है तो ये है आपका एक बॉन्ड ये है आपका सेकेंड बॉन्ड इनके बीच में जो भी एंगल रहेगा वो एंगल क्या रहेगा वो एंगल रहेगा आपका बॉन्ड एंगल तो जो भी एंगल आपका दो बॉन्ड के बीच में आता है आप उस एंगल को क्या बोलते हो बॉन्ड एंगल ठीक है मैं आपको एक रिलेशन लिखा के दे रही हूँ जो बहुत काम का है उसको एज देख के लिख लो जो भी आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर को ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम को लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम को यह वाला रिलेशन जो है ना ये बुक में नहीं दे रखा है बट इस रिलेशन के बिना हम लोग एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते तो आपको याद रखना है कि जो भी एंगल होता है दो बॉन्ड के बीच में का उसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल और बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लोन सेंट्रल एटम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम को ले लो इसका स्क्रीनशॉट और यहाँ पे लिखने के बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखने का ठीक है बहुत काम का क्वेश्चन है इसके बिना एंट्रेंस का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा छाप इसको ले लो इसका स्क्रीन चलिए अब हम लोग करते हैं इसको अप्लाई एक ही क्वेश्चन करेंगे जो बुक में दिया है उस क्वेश्चन पे इस चीज को अप्लाई करेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये है सी एच फोर ठीक है ये है आपका अमोनिया और ये है आपका पानी ये आपको क्वेश्चन दे रखा है ठीक है तो सबसे पहले तो मुझे क्या देखने का है सबसे पहले मुझे देखने का है परसेंटेज एस कैरेक्टर तो मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्योंकि मुझे एक बात बताओ क्या आप हाइब्रिडाइजेशन के बिना बता सकते हो परसेंटेज एस कैरेक्टर को नहीं बता सकते ना हाइब्रिडाइजेशन देख के तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बताया जाता है ठीक है तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ये देखा कि ये है आपका मीथेन मोलिक्यूल ये है अमोनिया ये है पानी सबसे पहले देखेंगे आप लोग परसेंटेज एस कैरेक्टर को तो मीथेन जो होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है एस पी थ्री अमोनिया का भी होता है एस पी थ्री और इसका भी होता है एस पी थ्री ये मैंने आप लोगों को सिखाया था वीबी टी थेरी में कि कैसे क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं हाइब्रिडाइजेशन का अलग से कंसेप्ट भी आया था वी एस थेरी में भी मैंने बताया था तो बस वही वाली थेरी की हेल्प से मैंने लिख दिया अब मुझे एक बात बताओ इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वही इसका है वही इसका है मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा है सेम तो क्या मैं परसेंटेज एस कैरेक्टर से बॉन्ड ऑर्डर को बॉन्ड एंगल को बता पाऊंगी क्या नहीं बता पाएंगे तो परसेंटेज एस कैरेक्टर की हेल्प से नहीं बता सकते क्योंकि तीनों के केस में क्या है सेम अब परसेंटेज एस कैरेक्टर के बाद में आपको क्या देखना है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि मीथेन के केस में जीरो लोन पेयर होती है जीरो लोन पेयर अमोनिया के केस में आपकी एक लोन पेयर होती है और पानी के केस में आपकी दो लोन पेयर होती है ठीक है ध्यान से देखना बॉन्ड एंगल निकालने का सबसे पहला तरीका जो था वो था आप चेक करोगे परसेंटेज एस कैरेक्टर को तीनों का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है सेम तो तीनों का परसेंटेज एस कैरेक्टर भी कैसा हुआ सेम अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाए सेम तो फिर हम लोग क्या देखेंगे लोन पेयर ऑन सेंट्रल आइटम को तो यहाँ पे लोन पेयर ज़ीरो होती है यहाँ पे लोन पेयर वन होती है यहाँ पे लोन पेयर टू होती है ये मैंने आपको वी एस सी में बताया था कैसे लोन पेयर को प्रेडिक्ट करना है अब मुझे एक बात बताओ बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रपोशनल है लोन पेयर ऑन सेंट्रल आइटम को मतलब जिसके पास में लोन पेयर है ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल कैसा रहेगा कम क्योंकि बॉन्ड एंगल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम को तो जिसके पास में लोन पेयर है ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल कैसा रहेगा कम तो आपका मिथिन का बॉन्ड एंगल रहेगा सबसे ज्यादा फिर रहेगा अमोनिया का और फिर रहेगा पानी का क्योंकि पानी में आपके लोन पेयर है सबसे ज्यादा अगर लोन पेयर है ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कैसा रहेगा कम इसलिए बॉन्ड एंगल है सबसे कम समझ आया नहीं ले लो इसका स्क्रीनशॉट चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को जो कि है आपका बॉन्ड एंथल तो नेक्स्ट है आपका बॉन्ड एंथल्पी उसको देखते तो बॉन्ड एंथल्पी का डेफिनेशन ये कहता है कि जो भी एनर्जी आपको लगती है एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथानी चलिए देखेंगे इस चीज को सबसे पहली चीज ये है मुझे एक बात बताओ अगर मुझे बॉन्ड जो है हमेशा जो फ्रेंडशिप होती है हमेशा जो बॉन्ड होता है जनरली वो कितने लोगों के बीच में होता है दो लोगों के बीच में तो ये है आपका एक और ये है आपका दो तो जो भी आपका बॉन्ड बना है जो भी आपकी फ्रेंडशिप बनी है कितने लोगों के बीच में हुई है दो लोगों के बीच में तो दो आइटम के बीच में आपका एक बॉन्ड बनता है तो जो भी एनर्जी मुझे लगती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी भी एनर्जी मुझे लगती है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बॉन्ड एंथल्पी इन शॉर्ट एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो दो एटम के बीच में होता है जितनी भी एनर्जी मुझे लगती है उसका नाम क्या होता है बॉन्ड एंथल्पी समझा या नहीं अब मुझे एक बात बताओ अपना कॉमन सेंस के हिसाब से आपको बताना है एक तरफ मैंने लिया है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एक तरफ मैंने लिया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एक तरफ मैंने लिया है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन अब मुझे एक बात बताओ अपना कॉमन सेंस लगा के बताना है यहाँ पे टोटल तीन बॉन्ड है यहाँ पे है दो बॉन्ड यहाँ पे है एक बॉन्ड तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगेगी या एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे तीन बॉन्ड है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए लगेगी फिर दो बॉन्ड को फिर एक बॉन्ड को तो ये रहेगा आपके बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड ट्रेंड ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेंड ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ठीक है तो यहाँ पे है आपके बॉन्ड तीन इसलिए एनर्जी कैसी लगेंगी ज़्यादा सबसे ज्यादा यहाँ पे है दो बॉन्ड तो एनर्जी थोड़ी कम लगेगी यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी बहुत कम लगेगी ले लो इसका स्क्रीन चलिए अब हम लोग देखेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट को जो की है बॉन्ड लेंथ तो नेक्स्ट है आपका बॉन्ड लेंथ तो बॉन्ड लेंथ का सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देती थी फिर हम लोग समझते द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस और बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ तो मैंने यहां पे ये जाना कि जो भी आपका बॉन्ड होता है वो मिनिमम कितने लोगों के बीच में फॉर्म होता है दो लोगों के बीच में यस और नो यस ठीक है आगे मैंने ये देखा कि इसका एक ना कुछ, इसका ना कुछ ना कुछ न्यूक्लियस है इसका कुछ ना कुछ न्यूक्लियस है तो इनके बीच में बना है आपका बॉन्ड तो जो भी ये वाला डिस्टेंस होता है ना इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ सोचने की बात है जब मैंने बोला था बॉन्ड एंगल उसका मतलब क्या था एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इसलिए उसका नाम क्या था बॉन्ड एंगल इसका नाम है बॉन्ड लेंथ मतलब ये लेंथ किसका होगा कॉमन सेंस लगाओ बॉन्ड का तो ये लेंथ है आपके बॉन्ड का तो जो भी आपका लेंथ होता है बॉन्ड का इसी का मतलब जो भी आपका इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लिया बोल सकते हैं या बिटवीन टू एटम्स वो क्या रहेगा बॉन्ड लेंथ लेंथ ऑफ बॉन्ड इज बॉन्ड लेंथ ठीक है length. Length bond bond length, मुझे एक बात बताना अगर सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ सपोज कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सेकेंड मैंने लिया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और थर्ड मैंने लिया है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन तो एक बात बताओ कि यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड का लेंथ कैसा रहता है ज्यादा तो आपका बॉन्ड लेंथ इसका रहेगा ज्यादा यहां पे दो बॉन्ड आ गए तो बॉन्ड लेंथ कैसा हो जाएगा कम यहाँ पे आपके तीन बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ रहेगा सबसे कम तो ये रहेगा आपके बॉन्ड लेंथ का ट्रेंड ठीक है जिसमें आपका है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसा रहता है लंबा अगर आपको ऐसा नहीं समझता है तो आप ऐसे देखो यह है सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैसा है लंबा डबल बॉन्ड कैसा है थोड़ा छोटा ट्रिपल बॉन्ड कैसा रहेगा और ज्यादा छोटा ठीक है सिंगल बॉन्ड कैसा रहता है खूब लंबा इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ कैसा रहेगा ज्यादा अगर लेंथ है ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ भी कैसा रहेगा ज्यादा यहाँ पे आ गए दो बॉन्ड तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा कम हो गया इसलिए बॉन्ड लेंथ है कम तीन बॉन्ड आ गए तो और कम हो गया समझाया नहीं ले लो स्क्रीन शॉर्ट चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को जो है आपका बॉन्ड ऑर्डर तो नेक्स्ट पार्ट है आपका बॉन्ड ऑर्डर ठीक है मुझे एक बात बताओ बॉन्ड है ऑर्डर इसका नाम ही है बॉन्ड ऑर्डर मतलब ये जो ऑर्डर है ये किसका रहने वाला है बॉन्ड का इसलिए नाम क्या है बॉन्ड ऑर्डर तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूं द नंबर ऑफ बॉन्ड द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर ठीक है देखेंगे इस चीज को मुझे एक बात बताओ मैंने आपको एक ही चीज़ अभी बताई है कि अगर आपका जो भी आप बॉन्ड फॉर्म करते हो वो हमेशा कितने आइटम्स के बीच में होता है टू आइटम के बीच में इसलिए मैंने लिखा है बिटवीन टू आइटम्स ठीक है क्या बोला गया नंबर ऑफ बॉन्ड जितने बॉन्ड रहेंगे उतना ही उसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि अगर सपोज मैंने लिया है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और लास्ट वाला क्या रहेगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन तो मैंने यहाँ क्या देखा कि यहाँ पे आपके बॉन्ड ऑर्डर कितना, कितना है कितने बॉन्ड है एक तो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना है कितने बॉन्ड है दो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना है कितने बॉन्ड है एक दो तीन ठीक है तो यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर है इसका ज़्यादा फिर इसका फिर इसका ये रहेगा आपके बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड ट्रेंड ऑफ बॉन्ड ऑर्डर समझा या नहीं तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड है ज़्यादा तो बॉन्ड ऑर्डर भी कैसा रहेगा ज़्यादा अगर नंबर ऑफ बॉन्ड है एक तो ऑर्डर भी कितना रहेगा एक तो ये रहा आपके बॉन्ड ऑर्डर का ट्रेंड ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट चलिए देखेंगे नेक्स्ट पार्ट को पोलैरिटी ऑफ कोवल बॉन्ड को ठीक है देखते हैं पोलैरिटी ऑफ कोवल बॉन्ड को पोलैरिटी ऑफ कोवलैंड बॉन्ड चलिए जो भी पोलैरिटी होती है की, वो एक्चुअली आपकी होती है दो टाइप की पहला होता है आपका पोलर बॉन्ड पहले लेते नॉन पोलर और सेकेंड रहेगा आपका पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो आपके जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनकी पोलैरिटी के हिसाब से दो टाइप होते हैं पहला होता है आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है देखेंगे इस चीज़ को ये चीज़ क्या कहती है ये चीज़ ये कहती है सबसे पहले चीज़ अपना दिमाग लगा के बताने का है यहाँ पे मैंने क्या देखा दोनों के दोनों आइटम कैसे है सेम यहाँ पे आपके दोनों के दोनों आइटम कैसे हैं डिफरेंट तो आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे आपके आइटम्स कैसे है सेम यहाँ पे आपके आइटम्स रहते हैं सेम यहाँ पे आपके एटम्स रहते हैं डिफरेंट एटम्स आर डिफरेंट ध्यान से देखना और मुझे बताना मुझे एक बात बताओ अगर आपके एटम है सेम तो क्या कोई पोल जनरेट होगा वहां पे नहीं क्योंकि दोनों के दोनों एटम कैसे है सेम अगर दोनों के दोनों एटम है सेम तो क्या कोई पोल जनरेट होगा नहीं होगा इसलिए इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल ठीक है तो आपने यहाँ ये यह देखा कि दोनों के दोनों एटम कैसे हैं सेम एटम्स आर सेम अगर एटम सेम है तो क्या पोल जनरेट होगा नहीं पोल डू नॉट जनरेट अगर पोल जनरेट नहीं होगा तो मॉलिक्यूल कैसे नेचर का रहेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल बहुत 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 काम की चीज़ है अगर मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल में आटम है सेम तो पोल जनरेट नहीं होगा नहीं होगा इसलिए नाम क्या है नॉन पोलर आके मैंने यहाँ ये यह जाना यहाँ पे आपके एटम कैसे है डिफरेंट तो आपका यहाँ पे क्या जनरेट होगा पोल मतलब एक रहेगा आपका प्लस एक रहेगा आपका माइनस तो इस तरीके से यहाँ पे आपके क्या जनरेट हो रहे हैं पोल क्योंकि एटम्स कैसे हैं डिफरेंट अब यहाँ पे आप ये लिखेंगे कि पोल्स जनरेटेड अगर आपके पोल्स जनरेट होते हैं तो मॉलिक्यूल का नाम क्या रहेगा पोलार मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल का नाम आपका रहता है पोलर मॉलिक्यूल ठीक है तो हम लोग पोलारिटी को मतलब मॉलिक्यूल का नेचर पोलार है या नॉन पोलार है ऐसे बता सकते हैं वैसे तो बुक में खूब सारी लंबी चौड़ी कहानी दे रखी है बट अगर वो कहानी को पढ़ते बैठे तो बस हो गया फिर कुछ समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने आपको एकदम चार्ट के फॉर्म में जितना काम का था वो बता दिया एटम है सेम तो पोल जनरेट ही नहीं होंगे मॉलिक्यूल कैसा रहेगा नॉन पोलार अगर एटम है अलग अलग, अलग पोल जनरेट होंगे अगर पोल जनरेट होंगे प्लस माइनस चार जाएगा मॉलिक्यूल का नाम क्या रहेगा पोलर मॉलिक्यूल समझ नहीं ले लो इसका स्क्रीनशॉट चलिए करेंगे एक दो एग्जांपल को मुझे बताइए अगर मैं बात कर रही हूं सपोज इस टाइप के एग्जांपल की ध्यान से देखना है यहाँ पे है H2 मॉलिक्यूल यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अपने ही साथ, साथ में अटैच है एच और एच दोनों के दोनों आइटम कैसे है सेम अगर एटम आ जाए सेम तो मॉलिक्यूल का नेचर कैसा रहता है नॉन पोलर ठीक है एक और एग्जाम्पल लेते हैं अगर सपोज मैं आपका एग्जाम्पल ले लूँ सी टू सी टू में आपको देखना देखने को मिल रहा है कार्बन खुद के साथ ही अटैच है दोनों के दोनों आइटम कैसे है सेम तो पोल जनरेट नहीं होगा मॉलिक्यूल का नेचर कैसा रहेगा नॉन पोलर देखेंगे आगे अगर आपका आ जाए एन टू मॉलिक्यूल एन टू मॉलिक्यूल में कैसा रहता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन खुद के साथ ही अटैच दोनों के दोनों आइटम कैसे है सेम कैसा रहेगा मोलिक्यूल का नेचर नॉन पोलर बट अगर आपका एग्जाम्पल आ जाए HF. यहाँ पे आपके आइटम कैसे है डिफरेंट आइटम अगर है डिफरेंट तो पोल जनरेट होंगे मॉलिक्यूल का नेचर कैसा रहेगा पोलर मॉलिक्यूल समझा या नहीं ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना इस पार्ट को खत्म करते हैं थोड़ा सा बच जाता है डाइपोल मोमेंट का पार्ट और साथ ही साथ आपका रेजोनेंस का पार्ट भी बचता है और साथ ही साथ कोवलन कैरेक्टर का भी पार्ट बचता है तो डाइपोल मोमेंट कोवलन कैरेक्टर और रेजोनेंस वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आधे घंटे में कवर करा के उस क्लास को खत्म कर दूंगी तो डाइपोल मोमेंट कोवलन कैरेक्टर और रेजोनेंस वाला जो पार्ट बचता है इस चैप्टर का वो नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे ठीक है वो क्लास आपका लास्ट क्लास रहेगा ठीक है क्योंकि ये चैप्टर कैसे बहुत बड़ा है लेकिन इस चैप्टर में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है अगर एक भी चीज़ छोड़ी ना तो उसका प्रॉब्लम अभी तो नहीं जाएगा बाद में जाएगा क्योंकि केमिस्ट्री में सारे कंसेप्ट जो है ना वो एक दूसरे के साथ में अटैच है आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं इसको अभी नहीं पढ़ूंगा तो अभी नहीं पढ़ा ना तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होंगी इसलिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ों को लेके चलना है किसी को भी छोड़ नहीं सकते तो वो तीन टॉपिक्स में आद, आपके नेक्स्ट क्लास में कवर कराती हूँ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर तो बहुत अच्छा था ट्रिक्स भी बहुत सारी थी अब आपका बस एक ही काम बनता है लाइक करने का सो प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑल्सो प्लीज़ डू कमेंट यार थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग दैन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल इफ यू हैवेंट येट सब्सक्राइब थैंक यू